बहाली जल्द करे, जल्द करे, जल्द करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में लगातार अगर हम बात करें बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की तो उस पर सवाल खड़े होते रहे हैं। हम खड़े हैं मंगल पांडे, स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार के, जो मंगल पांडे हैं उनके आवास के बाहर, और यहाँ पर तमाम जो पारा मेडिकल के जो छात्र हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, अपने फरियाद को लेकर लगातार पहुँच रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं ये हाथों में बैनर लिए हुए यहाँ पर खड़े हैं। इनसे हम बात करेंगे कि आखिर ये यहाँ पर क्यों खड़े हैं, क्या मुद्दा है, क्यों खड़े हैं। सर, हम लोगों का मेन मुद्दा है वैकेंसी। हम लोग सरकारी पारा सरकारी मेडिकल कॉलेज से पास आउट स्टूडेंट हैं, पारा मेडिकल के विभिन्न ट्रेड से, एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, ड्रेसर, ये सारे कोर्सेस हम पास आउट हैं। सरकार के तरफ से बस आश्वासन दिया जा रहा है। पिछले 3 तारीख से ही हम लोग दौड़ रहे हैं। 3 तारीख को समय दिया गया था, 9 तारीख, 7 तारीख का, 7 को जब आए तो 9 को समय मिला, 9 को जब आए तो आज हम लोग का फिर समय मिला है 10 बजे का। कल रात में मिलने आज भी नहीं, आज भी नहीं मिला, आज भी बोल रहे हैं कि कल 10 बजे रात में आइए। हम लोग बेरोजगार है, बेरोजगार हम लोग पैसा कहाँ से लाएंगे। बार बार मंत्री जी के पास मिलने भी आते हैं तो हम लोग के साथ गार्ड साहब यहाँ के जो ऐसे व्यवहार करते जैसे हम लोग बॉर्डर पास करके कोई बड़ा आतंकी प्रवेश कर रहे हैं, इनका बॉर्डर पार कर रहे हैं, इनका गेट पास कर। मेरा नाम देवेंद्र कुमार, इसके जाता है। ये जो माननीय मंत्री जी, जो मंगल पांडे, जो इनके आवास पे जो बार बार हम लोग आते हैं, और ये लोग जो चाहते हैं कि मिलने के नाम पे मतलब बाहर ठेल करके निकाल दिया जाता है और धक्का मारा जाता है। और जब कहते हैं कि हम लोग मंत्री जी के पीए से बात किए हैं तो कहता है कि हम लोग पीए को भी नहीं जानते हैं, ठीक है, नहीं जानते हैं, और बात करने के नाम पे चाहिए हम लोगों को कुछ भी जो है, हम लोग को आश्वासन नहीं चाहिए। हम लोग का सिर्फ यही कहना है, जब आप जो है बिहार सरकार से कोर्स हम लोग को करवाएं टेक्नीशियन का, अलग अलग कोर्स हो, ऑप्थेल्मिक हो, ओटी हो, एक्सरे हो, लैब हो, ये सब ट्रेड का जो हम लोग कोर्स किए हुए हैं 2014 से हम लोग भटक रहे हैं, हम लोग को उसमें नियमित बहाली चाहिए। अगर नहीं दे रहे फिर क्यों हम लोग को पढ़ा रहे हैं। मत पढ़ाइए, सीधा सरकार के हर एक 9 मेडिकल कॉलेज को आप बंद कर दीजिए। वहाँ पे पारा मेडिकल के जो विभिन्न ट्रेड हैं, एक्सरे, ओटी, ऑप्थेल्मिक, ड्रेसर, ये सारे कोर्स को आप बंद करवा दीजिए ना। अगर जब आपके लोग नहीं रहेंगे तो खून कौन निकालेगा, अगर जांच नहीं होगा तो ऑपरेशन कहाँ होगा, और ऑपरेशन के लोग जो हैं, हम लोग को आश्वासन मिला था कि 4 आदमी से ही आने के लिए, उनको ये लगता है कि सिर्फ ये लोग के कम संख्या में, उनको ये भूल है। हम लोग जितना 10,000 का थी, 15-20,000 की संख्या में यहाँ आकर यहाँ पर उग्र आंदोलन करेंगे, आत्मसमर्पण करेंगे, मरने के तैयार हैं, हमको जला दे या मार दे, लेकिन हम की काम करें, अगले दिन जो उग्र आंदोलन होगा उसमें मेरी मांग पूरी नहीं करेंगे तो हम लोग अपने पर यहाँ पर आत्महत्या करने, शांति से बात करने के लिए आए हुए हैं। अगर हम लोग को शांति से बात करके नहीं रखा जाएगा, अभी हम लोग को 4 लोग को बुलाया गया था, तो ये कम संख्या को देखते हुए वो लोग समझ रहे हैं कि ये लोग संख्या कम है, क्योंकि ये हर चीज वोट बैंक के लिए होता है। ये मंगल पांडे जी से आप लोगों की कोई बातचीत नहीं, बातचीत अभी तक नहीं हुई है। हम लोग 3 तारीख से आते हैं, 3 तारीख को हमने सचिवालय में भी मिले हैं माननीय मंत्री जी से, और जब हम लेटर देते हैं तो लेटर को टेबल पर फेंक दिया जाता है। लगता है ना कि हम लोग कूड़ा के दान कचरे से निकल करके आए हैं, ठीक है। और बार बार जब 3 को बोले तो बोला ठीक है तुम लोग 7 को मिलो। जब 7 को हम लोग 50 की संख्या में जब यहाँ जमजुट करके जब हम आए थे तो बोले कि आप लोग 4 से 5 व्यक्ति आइए, जो हमारे मजिस्ट्रेट साहब भी लिख करके दिए थे, जो हमको पेपर भी है, ठीक है। तो और देखिए हम लोग दिखा रहे हैं कि आप लोग मजिस्ट्रेट साहब से साइन करवा करके और दिया गया है, ठीक है। इतना आदमी को मिलने के लिए आश्वासन दिया गया मजिस्ट्रेट साहब, ठीक है। आज मिलने के लिए गए तो कल रात में 10 तारीख को 9 बजे रात में कौन सा मीटिंग होता है, और 3 लड़के अब क्या करिएगा जब मिल नहीं रहे हैं। जब मिल रहा आंदोलन होगा, उग्र आंदोलन होगा बिहार के अलग अलग मेडिकल कॉलेजों से जो है हम लोग आ करके यहाँ पर इकट्ठा होकर के उग्र आंदोलन करें, क्योंकि यहाँ सरकार जो है सिर्फ जो है संख्या देख करके ही कुछ भी देती है। सरकार यही चाह रही है, टेस्ट को जो है रोकेंगे और बंद करेंगे। हम लोग कोविड के समय में इतना काम कर रहे हैं, हम लोग को सिर्फ सरकार जो है बरगला रही है, आएगी बहाली, पहले की बहाली को अभी दिखा रही है और अपना उपलब्धि गिना रही है कि हम लोग अभी बहाली दे रहे हैं, लेकिन जबकि 2014 से कोई भी पारा मेडिकल के अलग अलग ट्रेडों की जो टेक्नीशियन की कोई भी बहाली नहीं आई हुई है। चार साल से सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षण करने के बाद भी
बिना किसी सरकारी सहायता के मनरेगा से भी कम मजदूरी पर आउटसोर्सिंग चलाया जाता है। मंगल पांडे कमीशन लेकर हर एक जगह सिर्फ हॉस्पिटल बनाते हैं। हम SKMCS से हैं, वहाँ बोला गया कि PICU में ऑटो एनालाइजर है, CBC है, जो कि एक माइक्रोस्कोप भी तक वहाँ नहीं है। मंगल पांडे पिछले जी कई दिनों गया है PICU, वहाँ हम भी कई बार लेटर दिए हैं। और हम लोग निजीकरण आउटसोर्सिंग का घोर विरोध करते हैं और करते रहेंगे। आपने सुना होगा एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल पीकू अस्पताल PICU के बारे में बहुत सुना होगा। बिहार सरकार ने बहुत सारी उपलब्धियां गिनाई है, एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल, लेकिन वहां पे सिर्फ नाम के लिए अस्पताल है, वहां पे कोई सुविधा नहीं है आउटसोर्सिंग के नाम से। वहां पे 1039 पद सृजित है, लेकिन वहाँ पे एक भी वैकेंसी। मेडिकल के छात्र हैं जो फरियाद लेकर तो आते हैं, पर यहाँ मंगल पांडे के जो होम गार्ड है वो इनसे बदसलूकी करते हैं और अब तक ये जो है वो मिले नहीं हैं। लगातार ये लोग प्रयास कर रहे हैं कि मंगल पांडे इनसे मिले, बातचीत करें, और कहीं ना कहीं ये जो छात्र हैं अपने मांगों को लेकर आ रहे हैं, उनके मांगे सुनी जाए। लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। कैमरा पर्सन जैकी के साथ मैं वसीम खान, लाइव सिटीज़ पटना।